हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जितनी भी लॉ की परीक्षा होंगी, चाहे वो BA LLB की हो या फिर LLB की हो और चाहे LLM की हो, तो जो स्टार्टिंग में कंडीशन रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि जो लॉ की एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे। बट चूंकि आपको पता है यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं है और बहुत से स्टूडेंट, तो खासकर मोस्टली लड़कियों की बात करूँ तो टाइपिंग और कंप्यूटर वगैरह नहीं जानती, तो इसी को लेकर कल एक बैठक की गई थी जिसमें कि कम्प्लीटली बताया गया कि वे दोनों मोड में परीक्षाएं दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि जब मतलब पहले जिन्होंने ऑप्शन भर दिया था, मतलब ऑनलाइन का ही भरा था, अगर मैं बात करनी चाहूँ लगभग 13,800 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड का भर दिया था, क्योंकि तब लग रहा था कि शायद परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। बट अब यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया कि आप ऑफलाइन भी परीक्षा दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम फिर से वही बात है कि जब पेपर ऑफलाइन ही कराने हैं तो सभी को ऑफलाइन करा दिया जाए, क्यों ऑनलाइन के चक्कर में? क्योंकि अभी चाहे कोई कितना भी परफेक्ट हो, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि वो उस तरीके से एग्ज़ाम को हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे एक बात ये है जो कहने वाले है, तो कल एक बैठक हुई थी जिसमें कि अभी अगर आपने ऑनलाइन मोड पर रखा है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में और आप ऑफलाइन परीक्षा देना चाहते हैं, तो अभी के लिए वेबसाइट पे आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा, 26 उसकी लास्ट डेट है, आप वहाँ पे जाके ऑफलाइन सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी जिसको टाइपिंग वगैरह अगर अपने ऊपर इंटरेस्टेड है, या मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन परीक्षा देना अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन दोगे और आपने कभी दी नहीं है, मतलब जॉब वाली परीक्षा अलग होती है और यूनिवर्सिटी की परीक्षा लगभग अलग होती है, तो हो सके तो आप जितनी भी कोशिश हो सके आपकी, आप ऑफलाइन परीक्षा दीजिएगा, ठीक है। 26 उसकी लास्ट डेट है, आप 26 तक जाकर आपका परीक्षा फॉर्म है उसमें लॉगिन हो जाओ या किसी कैफे से जाके करा लो और वहाँ पर आप ऑफलाइन का ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। ये 26 तक आप इतना कर सकते। साथ ही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितनी भी 26 से मतलब सॉरी जो 26 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, उनके दो परीक्षा सेंटर में चेंज किया गया है। कौन से में किया गया है? जो ब्रह्मानंद महाविद्यालय बुलंदशहर था उसमें चेंज करके जो नया सेंटर संशोधित है वह है IP कॉलेज कैंपस बुलंदशहर, ठीक है। ब्रह्मानंद महाविद्यालय का जो अब कर दिया है वो IP कॉलेज कैंपस बुलंदशहर कर दिया गया है। साथ ही एक सहारनपुर का कॉलेज है विद्या देवी कल्याण महाविद्यालय, जो इसका नया संशोधित सेंटर है वो है JV जैन कॉलेज सहारनपुर, इन दो में चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हो, पहले का मुझे नहीं पता पहले क्या निर्धारित किया था, बट अभी का ये जो मैंने बताया ये कर दिया है। साथ ही मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि कुछ पाठ्यक्रम हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ने प्रवेश मतलब सॉरी वो जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन मांगे थे, तो उनमें क्या कोर्स थे अगर मैं बात करनी चाहूँ तो LLM, MEd, MPBEd और BPEd जो प्रवेश थे ना, इनके लिए आवेदन मांगे थे यूनिवर्सिटी ने, और इसके लिए आज लास्ट डेट है, यानी कि 15 जून से एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहले 10 जुलाई तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, फिर यूनिवर्सिटी ने इसको बढ़ाकर 20 कर दिया था और आज 20 तारीख है, यानी कि आज लास्ट डेट है। अगर आप भी LLM, MEd, MPEd, BPEd में प्रवेश के इच्छुक हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आज कर सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है।